दिन किसी को कुछ हो गया, तबीयत खराब हो गया, संत कुछ नहीं देता है। सबसे पहला आदमी का निरोग काया, उसकी शरीर स्वस्थ होनी चाहिए। जैसे कोई तरीका का भी ट्रेबल किसी को हो गया, कोई दर्द हो गया, कोई किसी तरीका का अचानक हो गया शरीर के अंदर, तो संत का नियम है कि वो 1 से 2 मिनट के अंदर में ठीक कर देगा, चाहे हाथ रख करके कर ले जैसे भी कर। महाराज जी, मेरे तो वैसे सर में दर्द बहुत देर से अभी है। अच्छा ठीक है, अभी आप हमें बता दीजिएगा, एक मिनट से दो मिनट आपको हम टाइम देते हैं। अच्छा जी, मैंने शायद खाली पेट सुबह से होना इसलिए है। जो कुछ भी हुआ हमें उससे नहीं दी, खाली पेट में सोइए, भरे पेट में सोइए। कहाँ से कहाँ तक दर्द है आपकी? ये इधर चल रहा है, इधर साइड में और इधर साइड। अच्छा, ये महाराज जी कौन सी जड़ी बूटी है? बतला देंगे, कोई बतलाएंगे सब बतला देंगे तुम्हें, क्या है क्या नहीं है। इसी भरी नारायण, जाओ ये लगाओ, चल चल ये निकाल, ये ग्लास निकाल दो थोड़ी अपनी। हो जाएगा 1 मिनट के अंदर में, कुछ महसूस कीजिए, हिला डुला करके देखिए कम हुआ कुछ, ऐसा लग तो रहा है कि यहाँ कुछ हो रहा है पूरा। ये थोड़ी सी मस्तक पर से हटा दीजिएगा, तुरंत कम जाएगा। ये फिर लगा लीजिएगा, ये तिलक प्रवेश, हाँ तिलक जो है ना थोड़ा सा ऐसे खींच लीजिए ना, फिर लगा लीजिएगा। आप प्रवेश नहीं कर पा रहा है थोड़ा सा इसीलिए सब, हाँ इसीलिए, नहीं तो 1 मिनट ये सब चीजें हैं और ज़्यादा 1 मिनट में कम जाते हैं, सब ठीक हो जाएंगे। अभी आपको महसूस हो गया हुआ हल्का फुल्का, देखिए घोरा फिरा करते हैं। सुबह से ही घोरा था, कोई खाली पेट निकला था मैं, पहाड़ी इलाका है। अभी देखिए कैसा आप 1 मिनट के अंदर में हल्का कुछ नया ताजगी जैसा आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? हाँ अब होने लगा है हल्का, अब फर्क होने लगा। वाकई में अद्भुत के चमत्कार, ये तो आंखों सामने महाराज जी ने दिखा दिया चमत्कार, बहुत सुंदर। महाराज जी है क्या ये, ऐसी कौन सी औषधियाँ है? तो केवल स्पर्श करने से ही सर दर्द? हाँ, इसका नाम है दिव्यानी। दिव्यानी, दिव्यानी तो ये उत्तराखंड में मिलती है? हाँ? नहीं नहीं, ये मिलते हैं हमारी ये पूरब दिशा की ओर में मिलते हैं, कमख्या की ओर में मिलते हैं। ये सर दर्द में काम करती है और कुछ? पूरे एनी टाइम बॉडी में भी काम आते हैं, इनके साथ में बहुत सी चीजें लगाए गए, जैसे आपकी पेन कि कहीं पर भी आपकी पेन है, कमर में है, गैस है या उल्टी है या दस्त है, तो हम लोग औषधियों के साथ में औषधियाँ जोड़ते हैं, जैसे इनके साथ में पावर जोड़ते हैं एक दूसरे की पावर, जैसे पेट दर्द दे रहा तो इसके साथ में और कुछ जोड़ करके उसका स्पर्श कर देंगे तो पेट दर्द या इसमें दर्द है तो इसके साथ में जो अलग लगता है अपनी अपनी पावर उसके साथ में स्पर्श करने से ही कमर दर्द, पेट दर्द, रीढ़ दर्द, सर दर्द, उल्टी। महाराज जी इन औषधियों की तो ज्यादातर लोगों को पहचान नहीं है? नहीं, और पहचान ना होने के कारण ये जो है विलुप्त होती जा रही है। जी जी, विलुप्त होती जा रही है, जल गई है। और संत लोगों ने अगर इसे बाहर बाजार में निकालता तो लोग व्यापार लोग बना लेते हैं, कितनी जानकारी है। हम लोग को व्यापार नहीं बनना, व्यापारी नहीं बनना, हम लोग को जन कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए। लेकिन महाराज जी फिर भी ये लोगों तक पहुँचे तो एक अच्छी बात है ना, पहुँचते जहाँ तक मिलता है, अगर हम लोगों के पास में रहता है तो दे देते हैं। महाराज जी आप इसी का उपयोग करते हैं, सर दर्द वगैरह है, शरीर में दर्द है आपके? हाँ हम इसका भी यूज करते हैं। अब कुछ महक भी हल्की सी है, तालीम भी रहती है, तो महक आई ना इन्होंने निकाला तो महक आई, महक भी है इसमें। अब बिल्कुल ठीक हो गया मेरा, ठीक हो गया, बोले नहीं 1 से 2 मिनट वाकई में कमाल ही है। क्योंकि मैं कल व्रत रहा था, निर्जला एकादशी थी, जैसे अभी आपने संतों पे थोड़ी सी बात करी थी कि बहुत से लोग अपना रूप स्वरूप रख लेते हैं, लेकिन संत की जैसे पहचान कैसे करें कि असली संत मतलब कौन है? आपकी नजरें काम करेंगे इस चीज के लिए, आपकी नजरें, आप देखिएगा कि जो संत होंगे ज्यादा वो भिक्षा नहीं करेंगे, भिक्षा के एक नियम होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, ये दिन भर भिक्षा नहीं होती। जी बिल्कुल बिल्कुल महाराज, बिल्कुल यही महाराज जी मैं यही सुनना चाहता था, क्योंकि लोग वहाँ क्या आजकल अपना संत चुला भूख लगा, अगर मान लें तो मेरी अगर भूख लगा हुआ हम शहर में 2 से 3 दुकानें में मान लेंगे पैसे नहीं लेंगे, चलो हमें आटे दे दो, बिल्कुल
पैसा नहीं देना चाहते, आटे दे दो, आटा दे, हमें भोजन दे दो। जी 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 जी, तुम तुमसे कुछ नहीं मांग। लेकिन जो पूरे दिन भिक्षा मांग रहे हैं वो संत नहीं हो सकते। जिसकन भजन है जो भिक्षा की जरूरत, जो संत होंगे उसके पास में कोई ना कोई गुण जरूर पाओगे। आ जाएगा जी, वो दूसरे की भलाई करने के लिए पृथ्वी पर आया है, बिल्कुल अपने लिए नहीं आया है। जो दूसरों को भलाई करे वही संत। संत जो है समाज का कल्याण करते हैं, देश का कल्याण करने के लिए संत बनते हैं। अपना भले अपना भला करे वो संत थोड़ी नहीं, नहीं। बिल्कुल बहुत सुंदर, ऐसे संतों के दर्शन करके दोस्तों धन मिल जाते हैं। एक मिनट के अंदर भैया का दर्द बंद कर दिया, यही तो संतों का चमत्कार है। देखिए मंत्र पढ़ा और औषधि लगाई और सर दर्द गायब एक मिनट में। धन्य ऐसे संतों के लिए। दोस्तों इस वीडियो को शेयर करें ताकि सच्चे संतों के आप मैंने आपको दर्शन कराएं। इस वीडियो को जितना हो सके पूरे भारत में फैलाइए ताकि ऐसे संतों के आप सभी लोग घर बैठे दर्शन कर सकें। सभी को जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, हर हर महादेव।